बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई, होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज मैं जा रहा हूँ बारादरी मार रोड के बैक साइड पर। काफ़ी देर हो गई है व्लॉग नहीं बनाया था, तो आज मैं बाहर आकर व्लॉग बना रहा हूँ। मार रोड में मदरसे पढ़ने आता था, इसलिए मुझे बारादरी का पता, और आपको भी दिखाता हूँ कैसी जगह ये। बारादरी में पहुँच गया हूँ, पर मौसम सही नहीं है, रात की बारिश हो रही है, अभी का कोई पता नहीं है, वैसे हल्की हल्की हो रही है। और मेरे साथ हमजा भाई हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ये भी व्लॉग बनाने आए हैं और मैं भी व्लॉग इधर बनाने आया हूँ। मुदस्सिर भाई, वेरी गुड व्लॉगर, जरूर देखना। व्यू कुछ ऐसा है कि बहुत ही खतरनाक गंगा नैया में आ गए हम लोग। और थोड़ा उधर पानी सीन कुछ ऐसे हैं। बारादरी तो मैं पहुंच गया हूँ, बारादरी के अंदर एंटर तो हो गए हैं। इधर मैं देख रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या लिखा, रुबीना से दोस्ती इदनान की हुई। यार लोग भी कोई जगह नहीं छोड़ते लिखने की, क्या इनके बारे में कहें। बारादरी का तो मैंने पहले बता दिया था, ये जिसकी जगह उसका नाम था नादरा बेगम। ये बारादरी का अंदर का व्यू है, इसकी चारों साइडें एक जैसी हैं, पर इसका बुरी हालत हुई है। इसकी अभी भी मजदूर रिपेयरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी बुरी हालत हो गई थी। तो इधर सीढ़ियाँ भी हैं, ऊपर जाकर देखते हैं क्या सीन है। नीचे से ऊपर अच्छी हालत है, लगता है मजदूरों ने ऊपर से रिपेयर कर दी, अभी नीचे करना। इससे भी ऊपर है, पर अभी ऊपर काम चल रहा है, वो जाने नहीं दे रहे, तो नीचे चलते हैं। और व्यू इधर बड़ा ही कमाल का व्यू आ रहा है। बारादरी तो सारी विजिट कर ली है, हमजा भाई ने भी व्लॉग बना लिया, मैंने भी बना लिया। अब इधर एक जगह ढूंढी है सस्ता शूट करने के लिए। तो वो करने लगे। और ये जगह ढूंढी है, इधर शूट करेंगे, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है इधर। और अब हल्की हल्की धूप भी निकल आई है, जब आए थे तब फुल बारिश हो रही थी, इतनी भी नहीं, कभी रुक जाती थी, कभी ज़्यादा हो जाती थी।